और इस बीच एक बड़ी खबर महोबा से मिल रही है, जहां चुनाव का बहिष्कार किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का यहां के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। सड़क न बनने से सभी ग्रामीण नाराज हैं। सीडीओ समेत कई अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे हैं। जैतपुर विकास खंड के ठठेवरा रावतपुरा खुर्द का ये पूरा मामला है। तो दिन की ये तीसरी खबर है, जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। प्रशासन लोगों को मनाने में जुटा है, उन्हें समझाने में जुटा है। महोबा से भी खबर आई है कि यहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। उनका आरोप है कि यहां सड़क नहीं बनाई गई, विकास नहीं हुआ और इसीलिए लोग नाराज हैं और उन्होंने वोट डालने से इनकार कर दिया। जैतपुर विकास खंड के ठठेवरा रावतपुरा खुर्द का यह मामला है। प्रशासन लोगों से बात कर रहा है, उन्हें समझा रहा है कि वो वोट डालें, उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन के बावजूद भी सड़क नहीं बनाई गई, कार्य अधूरा रहा, इसीलिए वो इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। और बड़ी खबर आ रही है एटा से। अब तक 39.84% वोटिंग हुई है फतेहपुर सीकरी में, 39.10% मतदान हुआ है आंवला में, 36.81% मतदान। तो अब जो फिगर्स हैं दोपहर 1 बजे तक के फिगर्स अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि एटा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, इन तीन जगहों पर जो वोटिंग फिगर्स हैं वो आस्था भी सामने आए हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा जो है वो कुछ बढ़ा जरूर है पिछले घंटे के मुकाबले, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि उत्साह में कुछ कमी रह गई। दूसरे चरण के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि तीसरे चरण में उत्साह और ज्यादा दिखेगा, लेकिन ये भी लगभग लगभग अभी तक उसी पैटर्न पर बढ़ता नजर आ रहा है। एटा में लगभग 40% वोट पड़े हैं, फतेहपुर सीकरी में लगभग 39% मतदान हुआ है, तो आंवला में लगभग 37% तक लोगों ने मतदान किया है। तो ये तीन जगहों का ताजा आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। गर्मियों के दिन हैं और तेज गर्मी भी इसकी एक वजह मानी जाती है कि इन घंटों में कुछ स्लो जरूर होती है वोटिंग।